नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और मैच नंबर 34 O2 चैंपियनशिप, जहां पे भिड़ रही है हमारे रैंक टेबल की सबसे दो निचले क्रम की टीमें, इंग्लैंड और श्रीलंका। टॉस का वक्त है, इंग्लैंड गया यहां पर टेल्स के साथ। इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि रैंकिंग में ज़्यादा देर तक नीचे रहना अच्छी बात नहीं है टेबल में। लीग मैच जरूर है, आपको मौका मिलेगा वापसी का, लेकिन हर बार कई बार ऐसा होगा मौके मिलने में देरी हो जाएगी। टॉस जीता है यहाँ पर अपोनेंट ने, मतलब श्रीलंका ने, आ रहा है बैटिंग करने। इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी पहुँच चुकी है स्टेडियम के अंदर, बस कुछ देर की दूरी। आ गए हैं हमारे ओपनर्स। पिछले मैचेस में अपडेट के बाद हम हारना शुरू हो गए हैं, रनचेज कर नहीं पा रहे हैं। आज फिर रनचेज आया है, कोशिश करनी होगी इन्हें कम से कम रन में रोकने की और फिर अच्छी बैटिंग करनी होगी। गेंदबाजी में एक बार फिर राइट आर्म मीडियम फास्ट को चुना है यहाँ पे। इंग्लैंड चाहेगा कम से कम रन देना ओवर्स में। बढ़िया जजमेंट, तेज रनिंग, बढ़िया रन बटोर, बूम, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर। फील्डर भी सिर्फ पीछे मुड़कर देखेंगे। 6 रन खत। बाहरी किनारा मिलेगा फिर भी चौका। लेंथ को अच्छे से पढ़ा और बढ़िया शॉट सिलेक्शन, सही ठिकाने पर गेंद, बल्लेबाज खामोश। इस गेंद को ना तो पढ़ पाए ना जड़ पाए, बढ़िया गेंद, ये तो थोड़ी सी खराब सी गेंद। नो बॉल का इशारा, मिलेगी फ्री हिट। एक पल्ला तो बहुत जोर से घुमाया, गेंद को भेजना चाहते थे चांद पर, लेकिन संपर्क हुआ। इसे कहते हैं बढ़िया फील्डिंग। कप्तान ने गेंद दी है ऑफ स्पिनर को, विकेट की है मंशा, क्या उस पे खरे उतरेंगे गेंदबाज। जबरदस्त स्टंपिंग, मुझे लगता है आउट है ये। ओ, ये क्या आउट करार दिए जा सकते हैं। खैर, तीसरे अंपायर से मांगी गई है मदद। कमाल के रिफ्लेक्सेस, इनसे तेज हाथ, बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट। थोड़ा सा इनको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंत तक ये नाबाद रहे। क्लीन स्वीप है ये और क्लियर भी करेगा फील्ड को। अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी, लेकिन उससे भी बेहतर भागने की गति। गेंद से थोड़े दूर रहे, नीचे आए और गेंद को भेजा बहुत दूर। स्लैम, पिक्चर परफेक्ट शॉट। बिजली की तरह कौंधे हैं इनके हाथ। बेल्स ऑफ इन अ फ्लैश। ऑन फील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर से मदद मांगी है। इट्स टच एंड गो। कीपर ने तो किया बढ़िया काम। स्मैश्ड, यहां तो क्राउड में भी हेलमेट बंटवाने पड़ेंगे। एक और गेंद गई है स्टैंड्स में। वाव, क्या ड्राइव। फील्डर की अच्छी एफर्ट और बढ़िया थ्रो भी। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा पहली इनिंग के बाद कि श्रीलंका की अभी तक की मेरे सामने खेली गई सबसे बेस्ट बैटिंग है, बेस्ट इनिंग है, चाहे सिंगल डबल्स की बात हो, रनिंग में टॉप, चौके छक्के मारने में टॉप, फाइनल स्कोर जो रखा है वो और बेहतरीन। 32 का टारगेट इंग्लैंड के लिए जिस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं हम लोग, काफ़ी मुश्किल होने वाला है। उम्मीद करते हैं जो हम परफेक्ट शॉट पिछले कुछ मैचों में मिस कर रहे हैं, दो दो तीन तीन एक मैच में 4 परफेक्ट शॉट मिस किए थे, वहाँ 24 रन हम लोग सीधा सीधा मिस कर गए थे,
तो बस वो उम्मीद करनी है कि वो ना हो आज के मैच में। देखते हैं कुछ देर में पता लगेगा कौन जीत रहा है ये मैच। ये तो करने योग्य है और ऐसा नहीं कि पहले हो नहीं पाया है तो फिर आज कर दी हो। नई गेंद आज पूछेगी कुछ कठिन सवाल, लेकिन इन सवालों का जवाब चाहिए। सलामी जोड़ी ऐसा खेले कि सब इनको लेग स्पिनर को थमाई गई है। अब गेंद नो बॉल। गेंद पे तो मारने का प्रयास ही नहीं किया था, शरीर का निशाना सा था। सफलता भी मिली। एक और नो बॉल। ये एक्स्ट्रा फ्री हिट। ऐसा लगा जैसे गेंद गायब ही हो गई हो, क्योंकि बल्ले से तो बल्लेबाज के मन में है थोड़ी सी शंका, अभी भी है खामोश। तिरछे बल्ले से सीधा शॉट, स्ट्रेट लॉन्ग डाउन द ग्राउंड। बॉलर बॉलर फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो। किया है आराम, क्लीन स्वीप है ये और क्लियर भी करेगा फील्ड को। ये कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है, और इस इनिंग की पहली विकेट गेंदबाज के नाम। तोहफे में दे गए अपनी विकेट। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज। अपनी विकेट नहीं गंवानी है यहाँ इनको, तो फिर जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स। डाउन द ग्राउंड सीधा शॉट, लेकिन कहलाएगा स्लॉग। फील्डर की अच्छी एफर्ट और बढ़िया थ्रो भी। किया है आरंभ। खराब टाइमिंग, संकट के बादल मंडरा रहे हैं इस बल्लेबाज पर। क्या इतनी अद्भुत कैच पकड़ी जाएगी, ऐसा सोचा नहीं था बल्लेबाज ने। बढ़िया पकड़ा कैच, जानदार, धारदार, असरदार, गुच्छों में गिरी है विकेट। अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है। क्लीन स्वीप है ये और क्लियर भी करेगा फील्ड को। फील्डर की अच्छी एफर्ट और बढ़िया थ्रो भी। करीबी मामला, बल्लेबाज ने लगाई। अमूमन ये मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लेकिन आज बैटिंग ऑर्डर में किया है बदलाव। देखते हैं क्या भाग्य बदलेगा इनका। ये नेल बाइटिंग मुकाबला अंत के बिल्कुल करीब, आखिरी ओवर, निर्णायक ओवर। खाते में किए हैं चार रन से की है शुरुआत। हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया, बढ़िया रनिंग एक महत्वपूर्ण समय पर। बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट। थोड़ा सा इनको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंत तक ये नाबाद रहे। तिरछे बल्ले से सीधा शॉट, स्ट्रेट। बैट्समैन की गलती, फील्डर की मस्ती, मिल गया एक और विकेट। गेंदबाजी यूनिट की एक धमाकेदार शुरुआत। बल्लेबाज अपनी विकेट नहीं गंवानी है यहां इनको, तो फिर जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स। लाइन को क्रॉस करना उचित नहीं, नो बॉल का इशारा दिया अंपायर ने। इट्स टाइम फॉर अ बल्लेबाजी यूनिट के लिए कुछ रन बटोरने का। बल्लेबाज के सर के ऊपर से गई है गेंद, चौका देकर। ना लाइन पर कंट्रोल, ना लेंथ पर नियंत्रण, ये था आमंत्रण। पिटाई, अनप्लेएबल। किसी को मिली जीत, किसी को मिली हार। मुकाबला देखें तो रहा ये बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड गेम।
जीतने वाली टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसा लगा एक समय की आसान सी जीत मिलेगी टीम को, लेकिन कहते हैं ना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मैच हार गए और साथ में गेंद के साथ जादूगर कहते हैं इनको, आज इनके इशारों पे नाच रही थी गेंद और साथ में बल्लेबाज भी। तो ये है मैच समरी। और बैटिंग में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद श्रीलंका ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की है। गलतियां कुछ की थी, दो नौ बॉल्स डाले थे, पर इस लाइन लाइन पे गेंदबाजी की, फील्डिंग सेटअप सबसे जबरदस्त। ये गेम में मैंने एक और चेंजेस देखा है अपडेट के बाद, फील्डिंग सेटअप्स लगातार बदलते हैं, बहुत बढ़िया हो गया है गेम। बैटिंग में थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन एक बात है, जब हम सेट हो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। जब वन साइडेड मैच होती है, जब हम लोग हर गेंद पे चौके छक्के लगाते हैं, तो मजा नहीं आता। अब यहाँ हमारे विकेट गिर रहे हैं, रन बन नहीं रहे, परफेक्ट शॉट हम मिस कर रहे हैं, गुड शॉट आ नहीं रहे, अर्ली शॉट नाइस ट्राई, सब बदल चुका है यहाँ पे। जब परफेक्ट मीटर चेंज होता है तो उसके राइट साइड का हिस्सा टू लेट हो जाता है। मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो अर्ली खेलो और या तो परफेक्ट खेलो। अगर आप लेट पॉइंट का भी लेट करते हो तो फिर वो कैच आउट होगा। हिस्से में हमारे तीन हैट्रिक की हार आ चुकी है। हाँ, साथ ही साथ एक चीज़ और इस गेम ने मुझे अब सिखा दिया है, पहले इस अपडेट से पहले मैं हर एक गेंद पे सिक्स की कोशिश करता था और ऑलमोस्ट कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं लग जाता था, क्योंकि दो ओवर का ही मैच है, दस विकेट हमारे पास होते हैं, तो कहीं ना कहीं लग जाता था, तीन चार शॉट भी लग जाते थे तो जीत जाते थे मैच। लेकिन इस अपडेट के बाद एक चीज़ क्लियर हो चुकी है लास्ट अपडेट के बाद, कि ग्राउंड शॉट के भरोसे रहना होगा, नहीं तो अंत में होगा ये। आखिरी ओवर में चाहिए होंगे 24 रन, 20 रन, मतलब हर गेंद पे दो तीन, तीन रन चार रन, तीन रन चार रन चाहिए होंगे। तो सीख रहे हैं, सबक मिलते जा रहे हैं नई अपडेट के बाद, हर एक मैच के बाद, और देखते हैं आने वाले मैचेस में, उम्मीद करते हैं जीत हासिल करें। अभी के लिए लेना होगा विदा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल पर देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।